तो बताइए क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हाँ, बहुत जबरदस्त चीज पढ़ी थी, है ना? शुरुआत भी हमने कुछ मोटिवेशन की लिख दी थी, है ना? राइट। तो सर, हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत से पहले हमने ये पढ़ा था लॉ क्या होता है, है ना? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इस तरह की हमने बातें पढ़ी थी, याद है बात? फिर हमने पढ़ा था लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन राइट्स एंड लाइबिलिटी, है ना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन लिविंग और कॉरपोरेट, याद है बात? ठीक है, झंडू बाम वाली स्टोरी सुनाई थी, है ना? मैं झंडू बाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, है ना? तो यानी कि कॉरपोरेट के रूल्स भी लॉ वाले, कॉरपोरेट वाले भी कॉरपोरेट के ऊपर भी वो बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। हमने पढ़ा था फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि तुम्हें नहीं पता, याद है बात? एक बाइक पे, है ना? राइट। अब अगर आज की बात करें तो आज हमें जानना है सर कि लॉ का जन्म कहां से हुआ। ठीक है, तो देखो, जैसे हमने देखा कि हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जन्म कब हुआ इसका? 1872। यानी कब लागू हुआ हमारे देश में? 1872 में, बताओ यार। फिर हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्या पढ़ेंगे? सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इसका जन्म हुआ 1930। फिर हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका जन्म हुआ 1881। यानी कि इसका जन्म यहां हुआ, इसका जन्म यहां हुआ, इसका जन्म यहां हुआ। अब ये बताओ, इन तीनों साल में, इन तीनों ईयर्स में देश आजाद था या नहीं था, बोलो? इसमें देश कब आजाद हुआ था नलायको? हाँ, तो भैया क्या देश आजाद हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। इसका मतलब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए, तीन चीज छोड़ गए, सॉरी, थैंक यू और कानून, है ना? बस सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, थैंक यू बोलो, आगे बढ़ो बस, है ना? और कानून छोड़ गए। यानी इन तीनों जो एक्ट हमारे कोर्स में है, इससे पता लगता है कि कमर्शियल लॉ का जन्म कहां हुआ सर? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से हुआ। यानी कहां से हुआ सर? अंग्रेज से हुआ। यानी अंग्रेज चले गए, क्या छोड़ गए सर? हाँ, एक्ट छोड़ गए। तो अगर कोई तुमसे पूछे आज के बाद कि भैया लॉ का जन्म कहां से हुआ, तो क्या बोलोगे? सबसे पहला इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, ठीक है? फिर यह ऐसा है स्टैट्यू, है ना? अब भैया अगली बात क्या हुई? अगली बात यह हुई कि क्या सारे के सारे कानून हमारे देश में जो लागू हो चुके हैं, क्या सब वो अंग्रेजी छोड़ गए हैं? क्या कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो हमारे देश ने बनाया हो? मतलब कोई ऐसा कानून है जो हमारे देश ने बनाया हो? 12th में पढ़ा तुमने, वो सोचो कौन सा? 12th में बिजनेस स्टडीज में आखिरी चैप्टर क्या था? हाँ, तो हमने उसमें क्या पढ़ा सर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, है कि नहीं बात? इसके अलावा 12th में तुमने कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन किए थे? कंपनी अकाउंट के नहीं किए थे, कॉल सीनियरियर कंपनी अकाउंट थी वो, ठीक है? तो कंपनीज एक्ट 2013, और जो भी नए नए कानून आते हैं, वो हमारे देश पर जो लगाए जाते हैं, वो कानून उसी प्रक्रिया से पास होते हैं जो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, इंडियन पार्लियामेंट से। इंडियन पार्लियामेंट में जाएंगे, 75% की वोट करेंगे, याद है कि बात? बात समझ आ रही है? तो ये जो एक्ट जो हमारे देश के पास होते हैं, हमारे देश के कानून से, यानी हमारे देश के पार्लियामेंट से, तो उसे बोलते हैं इंडियन स्टैच्यू लॉ। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैच्यू लॉ, जो हमारे देश के पार्लियामेंट से पास किए जाते हैं, ठीक है? अगली बात सर, जो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया कि भैया जो हमने गाना सुना, आर यू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो गाना आया मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है ना? अब इस गाने में
तो भैया इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है बता सकते हो? इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ है झंडू बाम। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? झंडू बाम। अब सर ये बताओ झंडू बाम सबसे बड़ी गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि झंडू बाम हमारे देश का क्या है, एक प्रोडक्ट है कि जब सर में दर्द हो, है ना, राइट, कमर में दर्द हो तो आप क्या लगा सकते हैं? झंडू बाम लगा सकते हैं, बाम लगा सकते हैं, ठीक है, राइट। अब सर ये कैसे पता लगा? झंडू बाम जो प्रोडक्ट है वो है इमामी का। किसका प्रोडक्ट है? इमामी। और अगर मैं तुम्हें आज के इमामी का शेयर प्राइस बताऊं तो जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है उस कंपनी का आज का शेयर प्राइस कितना चल रहा है? कितना चल रहा मुन्ना मुन्नी? हाँ, यानी उस कंपनी का आज का शेयर प्राइस, आज का शेयर प्राइस चल रहा है लगभग लगभग 375 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस चल रहा है। चल रहा है, नहीं चल रहा? अगर एक कंपनी जिसका शेयर प्राइस 375 के आसपास चल रहा है अभी, ठीक है, और उस कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये तक भी गया है पिछले 5 साल में, देखो तो उसका शेयर प्राइस ये देखो 595 लगभग, यानी 600 रुपये तक भी गया है। दिख रहा है नीचे जो मैं एरो हिला रहा हूँ, प्राइस हिल रहे ना ये, तो देखो 600 रुपये तक भी गया है ना। और बहुत ही पुरानी कंपनी, बहुत ही पुरानी कंपनी, बहुत ही पुरानी कंपनी, यानी कि देखो ये कंपनी कब से चली आ रही है, ये कंपनी 2008 2009 से चली आ रही, दिख रहा है नीचे। तो जो 2008 में इसका शेयर 32 रुपये था, पापा ने इन्वेस्ट किया होगा 2012-15, है ना, 200 रुपये, फिर यहाँ 600 रुपये, फिर यहाँ 600 रुपये, फिर कोरोना काल में बेचारा लेट के 156 रुपये पहुँच गया, और फिर दोबारा 156 से बेचारा कहाँ तक आया, 580 रुपये तक आया, आया नहीं आया? तो एक प्राइस, यानी कि जो कंपनी 2009 से हमारे देश के अस्तित्व में है और उसका प्राइस आज भी 350 रुपये, 375 रुपये चल रहा है, जिसका हाई प्राइस भी अभी कुछ दिन पहले है ना, राइट, सितंबर 21 में 600 रुपये भी पहुंचा। तो ऐसी कंपनी, ऐसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है झंडू बाम। क्या प्रोडक्ट है सर? है कि नहीं बात, राइट। तो इमामी का प्रोडक्ट है सर झंडू बाम। तो झंडू बाम देखो ये याद आया, कुछ घरों में मिल जाता आज भी। तो जब ये गाना आया और ये यूज वर्ड यूज किया, है ना, तो तब किसको बुरा लगा होगा? अब ये कंपनी को बहुत बुरा लगा। तो झंडू कंपनी ने, झंडू कंपनी यानी कि इमामी ने, इमामी कंपनी ने केस कर दिया, इमामी कंपनी ने केस कर दिया अरबाज खान प्रोडक्शंस के ऊपर कि अरबाज खान ने बिना पूछे हमसे, बिना आज्ञा लिए क्या किया है, क्या यूज किया है, प्रोडक्ट का नाम यूज कर लिया, ब्रांड का नाम यूज कर लिया। और इस गाने को सुनने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ब्रांड की, हमारे झंडू ब्रांड की क्या हुई है सर, इंसल्ट। क्या हुई है मुन्ना? इंसल्ट हुई है। अभी बात कोर्ट तक चलेगी, अभी केस चला कई महीने तक, कई महीने, है ना, जज साहब रोज कोर्ट में आते हैं। महीने के फैसले के बाद, कई महीने के इंतजार के बाद जज साहब को सच में ये लगा कि इसमें सच में झंडू की क्या हुई है सर, इंसल्ट हुई है। तो जज साहब ने झंडू इमामी को जिताया, इमामी विंस, इमामी को जिताया। और कौन हारा? अरबाज खान प्रोडक्शन हारा। अरबाज खान प्रोडक्शन क्या है? कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी। तो ये केस था जिसे हमने बोला कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट, यानी कंपनी वर्सेस कंपनी, है ना। मान लो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा तो तुम केस करोगे आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड पर, तो ये होगा ह्यूमन यानी कि लिविंग वर्सेस कॉर्पोरेट। ये केस था कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट, इसमें कौन जीता? इमामी जीती। जब इमामी कंपनी जीती तो इमामी कंपनी को मुआवजे के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर, केस जीतने के तौर पर 5 करोड़ रुपए मिले, प्लस 1 करोड़ रुपए दिए मलाइका अरोड़ा खान ने, प्लस 1 करोड़ रुपए दिए शैलमोन भाई ने, प्लस
प्लस अरबाज खान को ये 7 करोड़ का, तो 7 करोड़ का तो हर जगह भरना ही पड़ा, साथ में एड एड ऑफ झंडू किसके द्वारा बनाया गया, अरबाज खान प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया। सेम लिरिक्स, लिरिक्स भी क्या लिखे गए, सेम सेम लिरिक्स, पर इस बार लिरिक्स पॉजिटिव उसमें थे। कुछ लिरिक्स ऐसी रहे थे, क्या कहते हैं कि सर में दर्द हुए तो झंडू बाम लगाए डार्लिंग तेरे लिए, झंडू से सर दर्द आराम हो गया डार्लिंग तेरे लिए, इस तरीके से कुछ लिरिक्स बनाए गए जिसमें झंडू का प्रमोशन किया गया है ना, राइट। तो ये बताओ उसके बाद जब ये केस आया तो ये केस का डिसीजन इंडिया का क्या बन गया, लॉ बन गया, क्या बन गया ये, अब इंडिया का लॉ बन गया, क्या लॉ बन गया, अगर कोई भी कंपनी, इफ एनी कंपनी यूज क्या कर रही है, हाँ, यूज ब्रांड नेम विदाउट परमिशन, ब्रांड नेम विदाउट परमिशन, देन कंपनी, जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट का नाम यूज किया है जैसे अरबाज खान, कंपनी हैज टू बी पेनलाइज, कंपनी पे क्या लगेगी सर, कंपनी पे पेनल्टी लगेगी। इफ एनी कंपनी इन बॉलीवुड इन ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन टीवी ऑन मूवीज यूज द ब्रांड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी कंपनी ऑफ इंडिया देन सच प्रोडक्शन हाउस हैव टू पे द पेनल्टी। ठीक है, फिर क्या हुआ, पेनल्टी देनी पड़ी। उसके एक दो साल बता क्या हुआ, एक दो साल बाद जब ये केस हार गए अरबाज खान प्रोडक्शन, तो उन्होंने एक ब्रांड का नाम और यूज किया, मेरी फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया, फेविकॉल यूज किया, नहीं किया। अब जब फेविकॉल का नाम यूज किया गया तब अरबाज खान ने फेविकॉल से क्या मांगी, परमिशन, क्या मांगी, परमिशन मांगी। जब फेविकॉल से परमिशन मांगी है ना, राइट, तो बताओ फेविकॉल ने परमिशन दे दी या नहीं दे दी, फेविकॉल ने परमिशन दी होगी नहीं दी होगी, चिपका ले सैया, है ना। तब परमिशन दी नहीं मिली, तब परमिशन मिली। अब इस परमिशन मिलने से क्या फायदा हुआ बताओ, क्यों परमिशन दे दी होगी, साइड में फेविकॉल आ गया, हम बताओ फेविकॉल से परमिशन क्यों मिल गई होगी, हाँ, इसका मतलब जब ये बात कहां पहुंची सर, अरे कोर्ट में नहीं, कोर्ट में पहुंचने का, अरे कोर्ट में तो पहुंचा ही नहीं, जब ये बात अरबाज खान ने फेविकॉल से पूछी कि क्या हम आपका ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं, तो फेविकॉल ने अलाउ किया हो नहीं किया होगा, फेविकॉल ने नाम अलाउ कर दिया, रीजन बताओ, रीजन एक तो भैया फेविकॉल को लगा इसमें हमारी कंपनी कोई भी डिमोशन नहीं है, हमारी कंपनी कोई भी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं है, अगर ब्रांड वैल्यू खराब नहीं है ठीक है तो इससे हमारी कंपनी का क्या है सर, प्रमोशन है, फायदा है, क्या है, फायदा है, अगर हमारी कंपनी का फायदा है प्रमोशन है तो फेविकॉल ने ये क्या किया, अलाउ किया, यानी इसका मतलब लॉ का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, लॉ का इस्तेमाल हो गया, किस बात का सर, कि कोई भी कंपनी क्या करेगी सर, अगर अपना ब्रांड वैल्यू यूज करेगी तो उसमें उसका प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन नहीं होना चाहिए, तो फेविकॉल ने अलाउ किया। फिर उसके बाद फेविकॉल ने ऐड देना बंद कर दिया, पहले फेविकॉल का ऐड आता था पता कौन सा, वो हाथी वाला, हाथी से मजबूत जोड़ है टूटेगा नहीं, है ना, राइट, तो पहले ही ऐड आते थे फेविकॉल के, ठीक है ना, ये वाले इस तरह के फेविकॉल हाथी का मजबूत जोड़ है टूटेगा नहीं, ये देखो इस तरह के ऐड आते थे। अब जब ये गाना आया तो फेविकॉल वालों ने क्या किया सर, फेविकॉल वालों ने ऐड देने बंद कर दिए,
इस तरह के एड फेविकॉल ने क्या किया सर, देने बंद कर दिए। रीजन, रीजन उनको ये कहेगा कि जब सलमान खान ने इतना हमारा इतना बड़ा ऐड कर दिया, क्या कर दिया सर, सलमान खान ने हमारा इतना तगड़ा ऐड कर दिया, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसलिए इसलिए फेविकॉल ने अलाउ कर दिया, तो फेविकॉल को लगा कि हमारी कंपनी का क्या है, प्रमोशन है। उसमें बच्चे बच्चे जान गए क्या फेविकॉल किस काम आता है, चिपकाने के, क्योंकि गाने में क्या लिरिक्स है, मेरे फोटो को चिपका ले, सही है फेविकॉल से, तो फेविकॉल से चिपकाने का काम आएगा ना। तो फेविकॉल ने ये परमिशन दे दी अरबाज खान को नाम यूज करने की। इसका मतलब इससे एक बात सामने आई, इन दोनों केस से एक बात सामने आई कि हमारे देश में एक जो लॉ बन गया, क्या बन गया, कि जो भी ब्रांड नेम यूज करेगा किसी भी कंपनी का, तो जो बंदा ब्रांड नेम यूज कर रहा है उसको दूसरे से क्या लेना पड़ेगा सर, परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या बन गया, लॉ, यू हैव टू टेक द परमिशन फॉर सच ब्रांड, नाउ इट इज लॉ। तो लॉ का तीसरा जन्म कहां से हुआ, जुडिशियल डिसीजन, है ना, राइट। फेविकॉल वाला केस, झंडू बाम वाला केस, दोनों ही केस किसके ऊपर थे सर, अरबाज खान के ऊपर थे। तो अरबाज खान झंडू में हार गए, फेविकॉल ने उन्हें परमिशन दे दी, तो फेविकॉल वाला केस कोर्ट में पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब कोई भी कोर्ट के डिसीजन आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, चाहे वो हाई कोर्ट का डिसीजन हो, कोर्ट के डिसीजन हमारे देश में क्या बनते हैं सर, लॉ बनते हैं। कोर्ट के डिसीजन क्या बनते हैं हमारे देश में, लॉ बनते हैं। यानी अभी हमें पता लगा सर, तीन तरीके से लॉ का जन्म होता है, तीन तरीके से लॉ का जन्म होता है। पहला इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, दूसरा इंडियन पार्लियामेंट, तीसरा कोर्ट के डिसीजन। अगला सर, अगला जन्म लॉ का हुआ कस्टम्स से, है ना। कस्टम्स की अगर बात करें, कस्टम्स की अगर बात करें तो मुझे ये बताओ, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, क्या मतलब होता है, रीति रिवाज, यानी कि हमारे देश में कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो क्या बना दिए जाते हैं, लॉ बना दिए जाते हैं। क्या तुम जानते हो कोई ऐसा रिवाज रहा हो, कोई ऐसी रीति रही हो जो हमारे देश में लॉ बन गई हो, और वो लॉ लिखकर हमारे देश के पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो, बोलो, नहीं बता सकते, ऑनलाइन वाले वाला कोई बताना चाहते हो, मान लो जैसे ये पिक्चर आई थी, आ रही है मतलब, है ना, किसके ऊपर है पिक्चर, के हाथों होकर रहेगा न्याय का सत्य, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश, ये दो पैरों से अन्याय के 10 सर को बदलते हो क्या, रावण को सजा क्या दी राम ने, मार दिया, यानी कि, और रावण का जुर्म क्या था, किडनैप करना, किडनैप करने का था। यानी कि रामायण काल की कहानी से पता लगता है कि उस टाइम पर किडनैपिंग की सजा क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, एक अल्टीमेटम, दो अल्टीमेटम देखे हैं ना, एक तो हनुमान जी को भेजा और दूसरा अंगद जी को भेजा कि भैया सीता मैया को छोड़ दो वरना फिर सही ना होगा मामला, है ना। लेकिन रावण ने छोड़ा नहीं, तो राम जी ने बोला भैया दो अल्टीमेटम दे दिए तुझे, दोनों में तू नहीं मान रहा, तो फिर अब कोई अल्टीमेटम नहीं है, अब कोई सुधार का मौका नहीं है, सीधा क्या, सीधा क्या, मृत्यु। अब ये बताओ मृत्यु दंड की सजा आज सुनाई जाती है, सुनाई जाती, टेररिस्ट को सुनाई जाती है, काफी केस में सुनाई जाती है, उसके लिए हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, हमारे कोर्स में क्रिमिनल लॉ नहीं है, है ना, आईपीसी। लेकिन आईपीसी की एक बहुत कॉमन सी बात है कि मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी अगर किसी बंदे ने टेररिज्म एक्टिविटी की होगी, यानी कि मृत्यु दंड की सजा, उसके बाद भैया आजीवन कारावास, जिसे आप क्या बोलते हो, जेल, है ना, राइट। कृष्ण जी की मम्मी को जेल में रखा उनके भाई ने, है ना, उसके बाद भी जेल प्रथा चलती है, मतलब किसी को सजा सुनाए तो क्या कर दो सर, कैदी बना लो, जेल में डाल दो। तो मृत्युदंड और जेल की सजा हमने नहीं बनाई, किसने बनाई, अब एक तरीके से देखा जाए तो रावण ने सीता मैया को जेल में ही तो रखा, हाँ बस वो थोड़ी बढ़िया सी जेल होगी कि भाई कैद रखा, हाँ उनकी सुरक्षा के लिए दासियां भी थी, है ना, जंगल भी था, लेकिन थी तो वो कैद,
तो सीता मैया का अपहरण अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद उन्हें जेल में रखा गया एक तरीके से, यानी कैद में रखा गया। तो भैया ये दोनों ही सजा, जिसे हम जेल की सजा और मृत्यु की सजा कहते हैं, वो हमने नहीं बनाई, हमारे रीति रिवाजों से आई। यानी बहुत सारी चीजें जो होती हैं रीति रिवाजों से लॉ बनती है। दूसरा डाउरी एक्ट, दहेज प्रथा। तो आज से 100 साल पहले जो दहेज प्रथा, कईयों सालों से क्या चल रही है सर, दहेज प्रथा चल रही है। तो जो दहेज प्रथा चली आ रही है हमारे देश में कि दहेज, उसके लिए क्या बनाया गया, डाउरी एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया, यानी कि दहेज को ध्यान में रखते हुए कि भाई बहुत लोग दहेज मांगते हैं, फिर लड़कियों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पिक्चर भी आई थी ना एक, वो रक्षाबंधन करके अक्षय कुमार की, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या बनाया गया, डाउरी एक्ट। इसका मतलब डाउरी एक्ट, आजीवन कारावास, मृत्यु, ये सारी सजाएं, ये सारे कानून हमारे दिए हुए नहीं है, ये कानून वो है जो हमारे रीति रिवाजों से निकले। दहेज प्रथा रीति रिवाज है कि नहीं, सौ साल चल रही है। तो अब हमारे देश को लगा इसे बंद करना चाहिए, तो हमने क्या बनाया, डाउरी एक्ट बनाया। मृत्यु की सजा आजीवन कारावास रामायण काल से चली आ रही है, तो हमें लगा ये आज भी होना चाहिए, है ना, दुष्ट पापियों के लिए। तो हमने क्या बना दी सर, हमने मृत्यु की सजा बना दी, ठीक है ना, राइट, एक्ट बना दिया आईपीसी में, आपको इतने साल की जेल या इतनी या फांसी की सजा हो सकती है। कुछ लॉज हमारे कस्टम एक्ट से निकले, एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जीता जागता डाउरी एक्ट। कौन सा एक्ट सर, तो डाउरी एक्ट हमारे रीति रिवाजों से निकला है, ठीक है। फिर एक बहुत बढ़िया बात, जिन्होंने अंग्रेजों ने चुराया हमारे देश में, आज से 150-200 साल पहले जब हमारे यहां बिजनेस किया जाता था, तो गुजराती लोग केमचो मजामाचो और राजस्थानी लोग कैश कैरी फॉरवर्ड, कैश कैरी नहीं करते थे। उन्होंने अपना एक कल्चर बनाया, बिजनेस कल्चर, उसको नाम दिया उन्होंने हुंडी। क्या नाम दिया, हुंडी नाम दिया। कुछ इस तरीके से होती थी हुंडी, है ना, हुंडी नाम दिया, बात समझ आई। यानी कि हुंडी क्या होता था, हुंडी वही है जो आजकल के जमाने में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ते हो तुम 11th में, BR, BP, बिल एक्सेप्ट कर, 3 दिन का ग्रेस, ये वही कल्चर है। और चेक पढ़ते हो, यानी कि मुझे तुम्हें पैसे देने हैं तो मैं, तुम मेरा क्या करोगे, मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूं, तुम मुझे पैसे दोगे, तुम बिल एक्सेप्ट करोगे, फिर उस बिल को हम एंडोर्स भी कर सकते हैं, है ना, राइट। यानी कि चेक को कैरी ना करने का एक तरीका था, यानी पैसे को, कैश को कैरी ना करने का एक तरीका था, ठीक है। अब भैया मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, तुम्हें किसी को और को पैसे देने है कि नहीं बात, राइट, और उसको मुझे पैसे देने, तो हम क्या करते थे, अब मैं तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए कैश लेके जाऊं आज से 100 साल पहले, तो बीच में कोई लूट ले तो फिर तुम उसको दोगे, वो मुझे देगा, तो हम लिख के क्या कर दिया करते थे, भैया आए पे यू द अमाउंट, तुमने उसे दे दिया, उसने मुझे एंडोर्स कर दिया, तो क्या कहीं भी पेमेंट की जरूरत पड़ी, तो इसका मतलब हम तीनों ने अपनी अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी एंडोर्स से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता था, मुझे तुम्हें देने 10 लाख रुपए, है ना, राइट, और मुझे उसने मुझे देने हैं 10 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे देने की बजाय किसको दे दे, अब मैं गुजरात में हूं, तुम नोएडा में हो, वो भी नोएडा में है, अब वो पहले वहां से गुजरात आएगा, मुझे कितने रुपए देगा, 10 लाख, फिर मैं गुजरात से तुम्हारे पास कहां जाऊंगा, नोएडा जाऊंगा, तुम्हें कितने रुपए लूंगा, दूंगा 10 लाख, तो मैं कह दूंगा भाई नोएडा नोएडा आपस में खेल लो यार, क्या दिक्कत है, तो मैं अपने नोएडा के व्यापारी को बोलूंगा भाई मेरा एक व्यापारी है जिसको मुझे पैसा देना है, वो बैठा है सेक्टर 52 में, तू बैठा है सेक्टर 62 में, अबे 52 62 में आधे घंटे का तो रास्ता है, तो तू एक काम कर, मेरे को पैसे देने के बजाय उसको पैसे दे, वो भी खुश, कह रहा चलो भैया चलो गुजरात, अरे भैया गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, पैसा कैरी फॉरवर्ड कर, कैश लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, तो उससे पैसे लेके तुम्हें दिलवा दिया, तुम भी खुश, मैं भी खुश, वो भी खुश, तीनों, किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ा, चोरी चकारी की दिक्कत नहीं, आज से 100-200 साल पहले इंटरनेट का जमाना था नहीं, तो अब मैं उसको पैसा, वो मुझे पैसा देगा, मेरे भी आप पे वो तुम्हें दे देगा, अब इस बात का सबूत क्या होगा, इस बात का सबूत होता था हुंडी। क्या होता था, तो क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज के जो पहला चैप्टर था ट्रेड एंड कॉमर्स, उसमें तुम जानते थे शाहजोग हुंडी, दर्शनी हुंडी, है ना, मुद्दती हुंडी, सर कौन पढ़ता है क्लास 11th में, कौन पढ़ता है सर, कहे नहीं बात। तो भैया दर्शनी हुंडी मतलब जो देख के दी जाए, तो मैं हुंडी क्या करूंगा, उसको बोलूंगा कि जब भी तू ये हुंडी किसको दिखाएगा, हाँ क्या नाम है, सिद्धांत, जब भी भैया तू हुंडी सिद्धांत को दिखाएगा, सिद्धांत हुंडी देख के तुझे पैसा दे देगा, दैट वॉज कॉल्ड दर्शनी हुंडी। क्या होता था, दर्शनी हुंडी,
फिर मुद्दती हुंडी, मुद्दती मतलब समय, मैं उसको बोलता था कि सिद्धांत के पास जाइए जुलाई में, जून में नहीं जाने का, कब जाने का है, जुलाई में। तो जब वो जून के बाद तुम्हें दिखाएगा हुंडी और तुम उससे पैसा दोगे तो वो होती है मुद्दती हुंडी। क्या होती थी? यानी कि टाइम, टाइम के हिसाब से पैसा मिलता था। अब अंग्रेजों ने हमारा ये लॉ चुरा लिया, हमारा ये कस्टम चुरा लिया, है ना, राइट? क्या चुरा लिया? ये हमारे कस्टम चुरा लिए। और अंग्रेजों को भी बहुत बढ़िया बात लगी, अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो बढ़िया चीज है यार, मतलब पर्चा दिखाओ पैसे मिल जाए, पर्चा दिखाओ एडजस्ट हो जाए पैसा, समय के बाद आओ तो ही मिलेंगे, समय से पहले नहीं मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने इसे अपने अंग्रेजी, अपने अंग्रेजी स्टाइल में जब ढाला तो इसको नाम दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या नाम दिया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यानी कि यूसेज, गुजरातियों ने राजस्थानियों ने जब इसका यूसेज किया तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम से एक लॉ बनाया गया जिसमें कहा गया हुंडी काटो, हुंडी मुंडी उड़ाओ इनकी, अपने अंग्रेजी नाम दो। अंग्रेजी नाम जैसे नहीं, बिल्स ऑफ एक्स, बिल, चेक, ये नाम दे दिए। बिल और चेक कुछ भी नहीं भाई, पुराने जमाने की हुंडी हुआ करती थी, इनको नया नाम दे दिया अंग्रेजों ने। तो हमने हुंडी हुंडी वर्ड इस्तेमाल करने छोड़ दिया, क्या नाम इस्तेमाल करने लगे? वही तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ते हो, वही तुम अपने घर में चेक वगैरह देते हो, फीस दियोगे तो सोचता चेक से दियो। इसका मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लॉ, इसका जन्म कहां से हुआ? यूसेज से। हमारे यहां इंडिया में यूसेज ऑफ हुंडी से निकल के आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। डाउरी कहां से निकला? रीति रिवाजों से। सजा कहां से निकली? मृत्युदंड, रीति रिवाजों से। मुन्नी बदनाम हुई, है ना, ये लॉ कहां से निकला कि नाम ब्रांड यूज नहीं करने का? कोर्ट से, जुडिशियल डिसीजन, ठीक है। कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, GST एक्ट, ये सब कहां से निकले? पार्लियामेंट से। और जो हमारे कोर्ट्स में है 3 एक्ट, कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये कहां से निकले? अंग्रेजों से। तो अंग्रेज जो दे गए इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, देश के पार्लियामेंट से जो पास कर लिया इंडियन स्टैट्यूट लॉ, कोर्ट ने जो बता दिया जुडिशियल डिसीजन, रीति रिवाजों से जो पता लगा कस्टम, और यूसेज हुंडी से क्या निकला? यूसेज। तो अगर आज के बाद कोई तुमसे पूछ ले तो तुम ये बताओगे सर 5 तरीके से क्या होता है सर लॉ का जन्म हुआ, कितने तरीके से सर? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है ना? तो दैट इज सोर्स। तो MCQ क्वेश्चन आना, घबराने का नहीं है, घबराने का ही नहीं, ठीक है। अब आज एक छोटी शुरुआत करते हैं, आज हम पढ़ते हैं क्या सर, क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या शुरू करेंगे सर आज? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे। अब जिंदगी में तुमने आज तक जो किया है पता क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। जाने अनजाने तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। बस हमने ये बात जान ली पिछली क्लास में कि हम ये मान के बैठते हैं कि तुम जिस चीज का भी काम करते हो उसके बारे में लॉ तुम्हें क्या है? पता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यू मस्ट नो व्हिच लॉ इज एप्लीकेबल ऑन यू। तो भैया अगर जिंदगी से हम कॉन्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं, अच्छा ये पेन चुराया, सच बता झूठ बोल बोल, खरीदा है, तो ये खरीदा तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने स्कूल में पढ़ाई करी, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तुमने यहां पे फीस दे दी, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं टाइप करके, तो ये भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ये सामान खरीदा, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। घर में अखबार आ रहा है, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। जिंदगी में हर एक चीज 1 रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक क्या मानी जाती है? कॉन्ट्रैक्ट मानी जाती है। उस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा स्वरूप तुम देखते हो बिल, कि जब तुम सामान खरीदते हो तो क्या होता है सर? बिल, मोबाइल लाइव बिल आया होगा ना, बिल, है ना, अमेजोन से सामान मंगाते तो चिपका होता है ना बिल, वो बिल भी क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बिल भी क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो बताओ, आम आदमी की भाषा में नॉर्मल सोच के बता दो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता होगा? यानी कि एक पेपर होगा, उस पर हम कुछ लिख देंगे कि भैया इतनी क्वांटिटी इतना प्राइस, है ना, एक मोबाइल, मोबाइल का नाम ये, एक क्वांटिटी ये प्राइस, प्लस GST, ये इतने रुपए तुमने पे कर दिए। या अगर कोई लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रॉपर्टी खरीदने का, उसे तुम रजिस्ट्री बोल देते हो। तो जिस पेपर पे हम लिखते हैं वो पेपर क्या होता है? पेपर क्या होता है?
सर वो पेपर होता है ये, क्या होता है? नहीं अबे पागल, इंडियन कॉन्टिनेंट थोड़ी, ये पेपर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसे बोलते हैं स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं? स्टैम्प पेपर। यानी कि जब भी हम बोलते हैं भैया अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो लिख के ले ले, तो जो लिख के लेने वाला डायलॉग है ना, लिख के ले ले, तुमने सुना भी होगा है ना, कि अब लिख के दूं क्या भाई, भरोसा नहीं हो तो लिख के दे दूं क्या। तो जो लिखने की बात होती है ना, वो स्टैम्प पेपर पर बात होती है, खाली पेपर नहीं। तो मैंने तुम्हारी कॉपी का खाली पेज ले लिया, मैंने A4 खाली पेज ले लिया, इस पर साइन कर दिया, कुछ लिख दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये बेकार की बात है कि मैं इस पेज पे लिख दूंगा। खाली पेपर पे लिख के देने का मतलब होता है स्टैम्प पेपर पे लिखना। अगर कोई भी बात तुमने स्टैम्प पेपर पे लिख दी, वो कानून में क्या होगी सर, वो कानून में कोर्ट में वैलिड होगी। तुम ये वाला पर्चा लेके जाओगे, सर मैंने तो सर से कॉन्टेक्ट किया था, सर पढ़ाएंगे, तो ये पर्चा जब सब फाड़ के फेंक देंगे, मैं क्या ये कोई भी लिख के ले आएगा, है ना। प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए या फिर प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए। हर स्टैंपिंग का एक नंबर होता है जो कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है। ये नंबर रजिस्टर्ड होगा कि इस नंबर का स्टैंप पेपर पूरे इंडिया में ना पहले था ना आज है। यह तुम्हारा पैन नंबर, तुम्हारा पैन नंबर, तुम्हारा आधार नंबर, तुम्हारा आधार नंबर ना किसी और को दिया जाएगा, ना किसी और के पास था, ना किसी और के पास होगा, सिर्फ तुम्हारा ही होगा। तो इस नंबर का स्टैंप पेपर किसी और के पास हो ही नहीं सकता, इस नंबर का स्टैंप पेपर सिर्फ उसी लोगों के पास होगा जिनको वो लोग लेन देन में शामिल करेंगे। तो स्टैंप पेपर आया। अब स्टैंप पेपर पे हमने कोई बात लिख दी, स्टैंप पेपर पे हमने कोई बात लिख दी, है ना। अब मैंने क्या बात लिखी भाई, जैसे मेरे स्टैंप पेपर मैंने बनाया कि भैया एक ये होटल इंडस्ट्री है, जब भी मैं कहीं घूमने जाऊंगा ये मुझे क्या करेंगे सर, होटल प्रोवाइड करेंगे, और इनको मैं पूरी मेंबरशिप फीस यानी ईयरली क्या दूंगा सर, ईयरली फीस दूंगा। बात समझ में आ गई। अब ये बात मैंने लिख दी, जैसे ही मैंने एक स्टैंप पेपर पर ये सारी बातें लिख दी, नाम पता है ना, ये कंपनी, कंपनी इस दिन कॉन्टैक्ट हुआ, इस दिन डेट, जैसे ही मैंने ये स्टैंप पेपर पर बात लिख दी, बताओ इस प्यार को क्या नाम देंगे, इस प्यार को क्या नाम दें। तो जज साहब ने बोला कानूनी भाषा में इसे स्टैंप पेपर नहीं बोलते, क्योंकि स्टैंप पेपर तो ये आम आदमी की भाषा है, कानूनी भाषा में इसे बोला जाता है ये, क्या बोला जाता है, यानी स्टैंप पेपर पे जब भी कोई बात लिखी जाती है उसे क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट। यानी इन लीगल लैंग्वेज स्टैंप पेपर जैसी कोई है ना भाषा यूज नहीं की जाती, स्टैंप पेपर इज द एग्रीमेंट। तो बस यही कानूनी शब्द तुम्हें सीखने, क्या सीखने सर, यही कानूनी शब्द तुम्हें सीखने हैं। बात समझ में, क्या सीखने हैं कि किसको क्या बोलते हैं, बताओ जरा जल्दी, ड्यूटी को क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में लिखवाया था, क्या बोलते हैं, फिर ऐसे कैसे चलेगा रे मुन्ना, ऑब्लिगेशन बोलते हैं, हाँ ड्यूटी को ऑब्लिगेशन, हाँ कि ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, लिखा नहीं कॉपी पर, कौन लिखेगा फिर, कौन लिखेगा, लागू को लेवी, लेन देन को कंसिडरेशन, तो ये सब कौन लिखेगा भैया, ऐसी स्टैंप पेपर को क्या बोलते हैं सर, एग्रीमेंट। अब ये बताओ अगर एग्रीमेंट में हमने कुछ लिख दिया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बताओ एग्रीमेंट में अगर तुमने कुछ लिख दिया कि मान लो 550 रुपए का एग्रीमेंट है, इस पर हमने कुछ लिख दिया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बना। ऐसे एग्रीमेंट में लिख देंगे मुकेश अंबानी का एंटीला हमारा, ओ मुकेश अंबानी एंटीले खाली कर दे चल, एंटीला हमारा, तो हमने तो एग्रीमेंट में लिख दिया एंटीला हमारा, हमारा होगा एंटीला, रिलायंस इंडस्ट्री हमारी होगी, रिलायंस इंडस्ट्री हमारी, फिर बताओ क्या चीज मिसिंग है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, सिग्नेचर। तो सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर लिख देने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, उस पर क्या चाहिए सर, सिग्नेचर चाहिए। यानी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के ऊपर तुमने साइन कर दिए, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं सर जो आपने दिखाया क्या उसमें ये दोनों तत्व मौजूद है या नहीं है, चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं। अब बताओ ये एग्रीमेंट मैंने तुम्हें दिखाया, ठीक है, जब ये एग्रीमेंट तुम देख रहे हो तो अभी तक क्या है ये यहां तक क्या है सर,
एग्रीमेंट है, ठीक है, यानी इसलिए लिखा भी है परचेज एग्रीमेंट। यहां तक क्या है? एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाल के, स्टैंप नंबर डाल के उस पर कुछ लिख देना, लेन देन की बात लिख देना। अब खाली लेन देन की बात लिखने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उससे भी जरूरी चीज क्या है सर? ये सिग्नेचर। ये मेरे साइन हो गए भैया, ये हो गए कंपनी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साइन हो गए, ये मेरे साइन और एक कंपनी के साइन। जैसे ही मेरे साइन यानी दोनों पार्टीज है ना, पार्टी वन जो बायर है, पार्टी टू जो सेलर है ना, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहे हैं होटल की, मैं जो सर्विस खरीद रहा हूं होटल की, अब ये जो सर्विस पार्टी वन और पार्टी टू आपस में डील करेगी उतने अमाउंट पर जितना एग्रीमेंट में लिखा होगा, इन दोनों के सिग्नेचर इस एग्रीमेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिग्नेचर नाउ कन्वर्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे जैसे सिग्नेचर हो गए, सिग्नेचर होते ही नाउ एग्रीमेंट बिकम्स, अब एग्रीमेंट क्या बन गया सर? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी तक ये एग्रीमेंट था, जैसे इस पे सिग्नेचर हो गए, मेरे सिग्नेचर हो गए, कंपनी के सिग्नेचर हो गए, सिग्नेचर होते ही ये इधर है ना, सिग्नेचर की दहलीज पार करते ही ये कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे कूद जाएगा। मैंने बात, इसका मतलब एग्रीमेंट के साथ अगर सिग्नेचर जोड़ दिए जाए तो क्या बनेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट। अब सिग्नेचर तो बच्चा ही बता देगा, सिग्नेचर तो कोई बच्चा ही बता देगा कि सर ये तो साइन है। तो जज साहब ने कहा भैया वो कानूनी क्या जो आसानी से समझ में आ जाए, तो जज साहब ने बोला जिसे दुनिया सिग्नेचर का नाम देती है उसे पढ़े लिखे लोग सिग्नेचर नाम नहीं देंगे। तो जज साहब ने इस प्यार को क्या नाम दिया? क्या नाम? नहीं बता सर, जज साहब ने इस प्यार को नाम दिया एनफोर्सिबिलिटी। क्या नाम दिया? एनफोर्सिबिलिटी। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी में दो वर्ड आए, एक वर्ड आया एनफोर्स, एक वर्ड आया एबिलिटी। एनफोर्स मतलब किसी चीज को खींचना या घसीटना। तो तुमने कई फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, वो डायलॉग इस शब्द से निकल के आया, यानी कोर्ट में घसीटना इज द हिंदी वर्ड ऑफ, हिंदी वर्जन ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। अब मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा है ना, कोई बात नहीं मेरे पैसे मत चुका, कोई बात नहीं मेरे है ना ये काम मत कर, इस पेपर के थ्रू मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। अब जज साहब कह रहे हैं भाई कोर्ट में घसीटने की धमकी तो दिया अक्षय कुमार ने, जॉली एल में डायलॉग मार दिया आई विल सी यू इन कोर्ट, तो जो डायलॉग मारा था ना मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, हिंदी बोलते कोर्ट में मैं तुम्हें घसीटूंगा, तो ये जो डायलॉग निकलता है वो निकलता है इस शब्द से, एनफोर्सिबिलिटी शब्द से। एबिलिटी मतलब होता है लायक। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला कि भैया एक एग्रीमेंट जो कोर्ट में घसीटने लायक होगा, एक एग्रीमेंट जो कोर्ट में घसीटने लायक होगा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बोलो रे मुन्ना, बोलो फिर से बात जो मैंने बोला। एक एग्रीमेंट कोर्ट में होगा नहीं, कोर्ट में घसीटने लायक होगा। एक एग्रीमेंट जो कोर्ट में घसीटने लायक होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब इसको इंग्लिश में बोल दो जरा, एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होगा इन कोर्ट वो क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट। यानी जज साहब ने सबसे छोटी डेफिनेशन बनाई, तुम कहीं भी सर्च करना दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, तीन शब्दों में डेफिनेशन खत्म, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल दूसरा वर्ड, बाय लॉ तीसरा वर्ड, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट, अब बताओ एग्रीमेंट क्या होता है सर? एक स्टैम्प पेपर जिसमें हम लेन देन की बात लिखते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा तुम मुझे सामान देना, मैं इतने या तुम मुझे इतने पैसे दोगे मैं तुम्हें टीचिंग सर्विस दूंगा, लेन देन की बात लिख देने को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। फिर उस पर आपने साइन कर दिए, सिग्नेचर वर्ड आम आदमी के लिए कि भाई साइन तो कर दे इस पे, लेकिन वकील लोग और तुम और मैं क्या बोलेंगे आज के बाद? एनफोर्सेबल। एक एग्रीमेंट जो घसीटने लायक हो जाए कहां पर सर? कोर्ट में। एक एग्रीमेंट जो घसीटने को आज के बाद क्या बोलना है? एनफोर्सेबल। एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो गए कानून के द्वारा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो गया वो एग्रीमेंट क्या बनेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, पहला शब्द।
दूसरा शब्द और तीसरा शब्द, दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन, तीन शब्दों में खत्म, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। किस सेक्शन में दी गई है सर ये? जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं, जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं, उस एक्ट का सबसे पहला सेक्शन होता है कि वो एक्ट लगता कहां पर है, तो बहुत रेलिवेंट होता नहीं। अब जैसे एक लाइन लिखी है सेक्शन वन में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम क्या होगा, दिस एक्ट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कहां लाएगा, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। अब बताओ इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर क्यों है? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से अब जम्मू कश्मीर पे भी हमारे इंडियन एक्ट लगते हैं। तो सेक्शन वन ये बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल। सेक्शन टू जो होता है, सेक्शन टू कहता है दुनिया के जितने भी एक्ट में डेफिनेशन लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, डेफिनेशन, सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन टू में लिखी जाएगी। एग्रीमेंट की डेफिनेशन टू में लिखी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन टू में लिखी जाएगी, कंसीडरेशन की डेफिनेशन टू में लिखी जाएगी, लेवी की डेफिनेशन टू में लिखी जाएगी, ऑफर की डेफिनेशन टू में लिखी जाएगी, हर चीज की डेफिनेशन इसमें लिखी जाएगी टू में। अब टू में इतनी सारी संज्ञाएं डेफिनेशन देनी है, तो जज साहब ने उन टू सेक्शन के अंदर उनके दो के बच्चे बना दिए और उन बच्चों को नाम दिया सब सेक्शन। क्या नाम दिया? पापा। पापा कौन हो गए? पापा हो गए सेक्शन, बच्चे हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई पापा दो ऑफ या सब सेक्शन एच, यानी कि पाप पिताजी ने बोला मेरे बालक है एच, उससे जाके पूछ ले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कोई तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखी, तो क्या बोलोगे? सेक्शन टू सब सेक्शन एच। तो ये होता है सब सेक्शन और ये होता है सेक्शन, यानी टू इज द सेक्शन एंड ब्रैकेट में एच इज सब सेक्शन। तो आप बोलोगे सेक्शन, जैसे बोलोगे सब सेक्शन, सब सेक्शन टू ऑफ ब्रैकेट में एच सब, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने, सब सेक्शन एच ऑफ सेक्शन टू, या एज पर सब सेक्शन एच ऑफ सेक्शन टू, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। याद हो जाएगी बात? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो बस तुम्हें एमसीक्यू में पहचानना है कि डेफिनेशन सही लिखी है नहीं लिखी है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ पे टिक करना है। अब बच्चों में कहानी सुनते थे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों भरे खत्म कहानी। यार इतना दुख हो रहा है, मम्मी जब भी कहानी सुनाती है दोनों मर गए। अरे भैया मैं तुम्हें नई कहानी बताऊंगा जो घर पे बता के आनी है। क्या? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी। तो एग्रीमेंट है राजा रानी, तुम मैं राजा, एनफोर्सिबिलिटी है रानी, तो राजा रानी को मिलाना है, एनफोर्सिबिलिटी है रानी। तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले कॉन्ट्रैक्ट की कहानी। एक था राजा, जल्दी बोलो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले कॉन्ट्रैक्ट की कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले कॉन्ट्रैक्ट की कहानी। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट है एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। एग्रीमेंट ही नहीं है एनफोर्सिबिलिटी है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। सिर्फ ए प्लस ई इज इक्वल टू सी हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट को जन्म नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे दोनों का मेल होना जरूरी है। राजा और रानी होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट की कहानी शुरू होगी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिलेंगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट की कहानी शुरू होगी। बोलो बात समझ में आ गई है कि नहीं बात? राइट। तो अपने नोट्स में ये बात लिखी है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें एमसीक्यू भेज दूंगा ग्रुप पर, तो ग्रुप जैसी बन जाएगा आपको एमसीक्यू दे दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स भी दे देंगे कलर, एमसीक्यू भी दे देंगे, ठीक है ना। राइट, मुश्किल नहीं है, एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्ट को समझकर। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या सीखा? टू एच, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल वाला इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी जोड़ दो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बोलती बात समझ आई, ठीक है ना। राइट, तो ये था सर हमारा एग्रीमेंट, ओ कॉन्ट्रैक्ट। अब लोगों का भी पेट नहीं भरा, लोगों ने बोला सर ये बता दो, बस एक और बता दो, एग्रीमेंट क्या होता है? क्या होता है एग्रीमेंट? क्या होता है? तो जज साहब ने बोला एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता होगा?
तो बच्चे बोल रहे मासूम से सर किसी बात लेन देन की बात को स्टैम्प पेपर पर लिख दो। तो जज साहब ने कहा और आसान बनाते हैं, सर एग्रीमेंट होता है तुम्हारे मेरे बीच का वादा, क्या होता है वादा, और गाना गाओ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा ना। तो एक वादा जो मैंने तुमसे किया, तुम मुझे इतनी फीस देते ना मैं तुम्हें लॉ पढ़ा दूंगा, तो मेरा वादा क्या बन जाएगा अगर आप लिख दोगे तो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट। जज साहब ने बोला एक वादा है, वादे को क्या करो लिख दो, जैसे तुमने वादे को लिखा वो क्या बन गया एग्रीमेंट। अब वादा क्या होता है सर इंग्लिश में प्रॉमिस। तो जज साहब ने बोला एक प्रॉमिस होगा, क्या होगा एक प्रॉमिस होगा जिसे हम क्या कर देंगे सर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा एग्रीमेंट। एक्चुअली में एरो ऐसे होगा, कैसे होगा ऐसे, मास्टर भाई एक वादा जिसे हमने लिख दिया क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं था, तुमने कहा सर मुझे यकीन नहीं है आप बोल रहे हो, क्या कर दो से लिख दो, एक वादा जो लिख दिया क्या बन गया। जब सामने एक चीज और जोड़ दी, भैया वादे में ना कंसिडरेशन है, लेन देन जरूर इन्वॉल्व कर लेना, वादे में क्या इन्वॉल्व कर लेना कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब लेन देन। यानी कि जज साहब ने बड़ी गजब की बात बोल दी, एक ऐसा वादा जिसमें पैसा या लेन देन इन्वॉल्व ना हो वो वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। क्या तुम मुझे कोई ऐसा वादा बता सकते हो जिसमें लेन देन इन्वॉल्व ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बोलो सर एक ऐसा वादा जिसमें लेन देन इन्वॉल्व करी नहीं हमने, यानी कोई कंसिडरेशन है मिलेगा ही नहीं, बदले में कुछ नहीं मिलना। कंसिडरेशन होता था बदले में, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम मुझे बदले में क्या दे रहे हो, तो मेरा कंसिडरेशन क्या है फीस, तुमने फीस दे दी तुम्हें बदले में क्या मिला एजुकेशन। तो एक ऐसा वादा जिसे बदले में कुछ ना मिले ऐसा वादा होता है दान। तुमने दान वादा कराए कि भैया बिल्डिंग बनाओ मैं मंदिर की दीवार के पैसा दूंगा, मैं हॉस्पिटल का पैसा दूंगा, बदले में क्या मिलेगा कछु भी नहीं, फ्री सेवा। मैंने बालक को बोल दिया कि चल ठीक है भाई तेरे को पैसों की दिक्कत है तुझे फ्री पढ़ाऊंगा, तो मैंने फ्री सर्विस दे दी, दान दे दिया, क्या इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है बताओ, बदले में मुझे क्या मिला, बदले में मैंने बच्चों का फ्री पढ़ाऊंगा, बदले में कुछ भी नहीं मिला। मैंने हॉस्पिटल वाले को बोल दिया कि भैया मैं 1,00,000 रुपए दान कर दूंगा हॉस्पिटल बनवाओ, तो हॉस्पिटल ने मुझे बदले में क्या दिया कुछ भी नहीं दिया। एक ऐसा वादा जिसमें बदले में कुछ ना मिलता हो, एक ऐसा वादा जिसमें बदले में कुछ ना मिलता हो, एक ऐसा वादा जिसमें बदले में कुछ ना मिलता हो वो वादा एग्रीमेंट नहीं बन सकता। क्योंकि एग्रीमेंट बनने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, भैया एग्रीमेंट बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बिजनेस की लेन देन तो करो, तुम्हारी मेरी बात करते हैं। मैंने तुम्हें वादा किया पढ़ाने का, मुझे बदले में क्या मिला फीस, तुम्हारी बात करते हैं तुमने किस चीज का वादा किया। नहीं पढ़ने का तुमने वादा नहीं किया, वरना पढ़ के नहीं आते तो पिछली क्लास का, तुमने पढ़ने का वादा नहीं किया, तुमने किसका वादा किया ऑनलाइन वाले बच्चे, तुमने वादा किया फीस देने का है ना, तो तुम्हारा वादा क्या था, तुम्हें बदले में क्या मिला सर्विस, तो बदले में क्या मिला टीचिंग सर्विस। तो मेरा वादा था पढ़ाना, मेरा बदले में मुझे क्या मिला फीस, तुम्हारा वादा क्या था, तुम्हारा वादा था पैसा देना, पैसा बाबू पैसा, तो तुम्हें बदले में क्या मिला सर्विस। यहां लेन देन हो रहा है, बदले में मॉनेटरी टर्म्स में बात चल रही है, तो ये प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाएगा, ये प्रॉमिस क्या बन जाएगा एग्रीमेंट। लेकिन जहां बदले में कुछ ना मिलता हो, वो प्रॉमिस एग्रीमेंट। तो जज साहब ने बोला भाई एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल, एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस इन्वॉल्व कंसिडरेशन। तो आज के बाद तुमसे बोला व्हाट इज एग्रीमेंट, तो आप क्या बोलोगे मैथ्स की इक्वेशन में P plus C। लोगों का पेट अब भी नहीं भरा, लोगों ने बोला सर एक चीज और। मैंने कहा दिमाग चला है तुमने यार, है पूछ के इसलिए कहा जाता कानून के हाथ लंबे होते हैं, पढ़ रहे हैं ये, पढ़ना पड़ेगा सारा तामझाम डिटेल में। प्रॉमिस क्या होता है, हाँ तो बताओ वादा क्या होता है, लोग कह रहे हैं बता वादा क्या होता है। तो जसवंत ने बताया क्या बोला, बहुत सिंपल सी बात, अक्षय कुमार का डायलॉग, मैं तो भैया बात बोल देता हूँ अब अच्छी अपने आप लग जाती है ना, सिंग इज किंग का शायद डायलॉग था, मैं तो अपने आप बोल देता हूँ अच्छी अपने आप लग जाती है,
मैंने तुम्हें एक बात बोली, तुम्हें वो बढ़िया लगी, तुमने कहा डन 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 डन, तो वो मेरा वादा क्या बन गया, ओ, वो मेरा मेरी बात क्या बन जाएगी, मेरी तरफ से प्रॉमिस। तुमने एक बात बोली सर फीस इतनी दूंगा, तुमने एक बात बोली फीस नहीं दूंगा, मुझे जमगी वो बात, ओके डन, तो वो तुम्हारी कहीं भी बात तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, वादा। मैंने जो बोला तुमने डन किया, मेरा वादा, तुमने जो बोला मैंने डन किया, तुम्हारा वादा। तो जब सबने बोला वादा कुछ भी नहीं, एक ऐसी बात जो दूसरे को दूसरे दूसरे बंदे को सही लगे, है ना। मैंने बोला लॉ पढ़ाऊंगा, तुमने बोला सही है, तो मेरा लॉ पढ़ाने का क्या बन गया, वादा हो गया। तुमने बोला सर फीस दूंगा, लॉ पढ़ा दो, मैंने बोला फीस सही है एकदम, तो तुम्हारी तरफ से फीस देने का वादा बन गया। तो जज साहब ने इसे अंग्रेजी में पता क्या बोला, एक ऐसी बात, बात मतलब मैं जो तुम्हें बोलूंगा वो ऑफर बोलूंगा, भाई लॉ पड़ेगा, तुम्हें वो बात सही लगी, तुम क्या करोगे, हाँ करोगे, हाँ को क्या बोलोगे, यस को क्या बोलोगे, एक्सेप्ट। एक ऑफर अगर उसे एक्सेप्ट कर दिया जाए, बोलो जल्दी, एक ऑफर अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो एरो ऐसे नहीं, एरो ऐसे जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस में लेन देन इन्वॉल्व करके, प्रॉमिस में लेन देन इन्वॉल्व करके, पैसा इन्वॉल्व करके उसे लिख दिया जाए, उसे क्या कर दिया जाए, प्रॉमिस को लिख दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट पे एनफोर्सिबिलिटी डाल दी जाए तो क्या बन जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात, बोलो। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू प्रॉमिस को अगर लिख दो तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या डाल दो, एनफोर्सिबिलिटी, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई। तो अब तुम ये कह सकते हो क्या, ए प्लस ई इज इक्वल टू सी, ये एमसीक्यू में आ जाते हैं। अब आज के एमसीक्यू क्या बन सकते हैं, बन सकते हैं ए प्लस ई इज इक्वल टू सी, करेक्ट और नॉट। अच्छा अगर मैं ये बोलूं ओ प्लस ए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, सही है गलत है, सही है, ये भी तो सही है मुन्ना। अरे भाई, अरे तुमने बड़े मंजे ले लिए भाई। तुम ये बताओ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट। अरे मैथ्स के महारथी तुम, तो पी से पी काट दो, पी से पी कट गया तो ए क्या बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो मैं भी तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को ए मान रहा हूं, तो ये एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है, ये वाला ए प्लस इज इक्वल टू सी सही है, ओ प्लस ए प्लस इज इक्वल टू सी ये भी सही है, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है, तो पी से पी कट गया तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ओ प्लस ए, सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है। तो दैट इज व्हाई ए इज इक्वल टू ओ प्लस ए, एनफोर्सिबिलिटी अपनी जगह इंटैक्ट है, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो अगर कोई तुमसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक वही है जो तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है ना। इन शॉर्ट दिस इज द बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो बॉक्स है ये कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक है। ओ प्लस ए इजिकल टू सी है ना, या ए प्लस ई इजिकल टू सी। डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है सर, प्रॉमिस इन्वॉल्विंग कंसिडरेशन, यानी प्रॉमिस के साथ क्या जोड़ना है, कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो प्रॉमिस वैलिड प्रॉमिस नहीं होगा, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के वो क्या नहीं बन सकता, एग्रीमेंट नहीं बन सकता। कोई तुमसे पूछे प्रॉमिस क्या होता है, तो क्या बोलोगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के साथ क्या जोड़ दो, एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं पी से पी काट दूं तो एग्रीमेंट इज ऑल्सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो इनमें से कैसा भी एमसीक्यू तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है, लॉजिक तुम्हें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट के अंदर प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के अंदर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे सर एरो कैसे बनेंगे, तो एक्चुअली में एरो ऐसे बनेंगे, ओ प्लस ए इज इक्वल टू पी, पी को हमने लिख दिया क्या बन गया, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, एनफोर्सिबिलिटी डाल दी, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ गए सर, ठीक है।
तो आगे कार्रवाई अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।